हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। ठीक है क्लास, आज हम क्या पढ़ेंगे? मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में क्या कवर होता है? ठीक है, लेकिन देखिए क्लास, सबसे पहले हम मिसलेनियस पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जर्नल साइंस तो आप लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको पता है उनसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मिसलेनियस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं एसएससी जेई के एग्जाम में। 10 से 11 क्वेश्चंस आते हैं क्लास एसएससी जेई में मिसलेनियस टॉपिक्स के। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक में क्या क्या कवर होता है, जैसे कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स और फेमस ऑथर, फर्स्ट रोड किसने कंस्ट्रक्ट किया, लार्जेस्ट रोड क्या है, लार्जेस्ट डैम क्या है, ठीक है, नोबेल प्राइज किसको मिला, ठीक है क्लास, और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल आप मिसलेनियस टॉपिक का आपको दे देती हूँ। जो हमारे करंट दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें नोबेल प्राइज ऑफ एशिया मिला हुआ है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है क्लास, ये बहुत बड़ा प्राइज है। नोबेल तो आपको पता ही कितना बड़ा प्राइज है, नोबेल प्राइज ऑफ वर्ल्ड नहीं बल्कि नोबेल प्राइज ऑफ सिर्फ एशिया। और उनको वो कब मिला था? 2006 में। किस लिए? आरटीआई एक्टिविस्ट की वजह से। नोबेल प्राइज तो पूरे वर्ल्ड के लिए मिलता है, लेकिन एक होता है नोबेल प्राइज फॉर एशिया। उसका नोबेल प्राइज फॉर एशिया को हम क्या कहते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और वो किसको मिला हुआ है? दिल्ली के जो करंट सीएम है अरविंद केजरीवाल को। और वो कब मिला है? 2006 में क्लास, याद रखना, अरविंद केजरीवाल को 2006 में नोबेल प्राइज फॉर एशिया का अवार्ड मिला है। बहुत बड़ा ऑनर होता है ये। और उनको कब मिला है? 2006 में। कब मिला है क्लास? 2006 में। तो इन्हीं सब मिसलेनियस टॉपिक में से हमारा जो एक टॉपिक है गवर्नमेंट प्रोग्राम, अब हम आज उससे रिलेटेड हम कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स या प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्कीम क्या है हमारी? बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या क्लास? बेटी बचाओ बेटी, पहले बेटी को बचाओ, मतलब फीमेल इन्फेंटिसाइड्स को रोको, फीटिसाइड्स को रोको, फीमेल स्टॉप, फीमेल फीटिसाइड्स, मतलब फीटस क्या होता है? जो बच्चा पैदा नहीं हुआ था हम उसको फीटस के रूप में ही मार देते हैं। जो बेटी के बेटा हमें पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि फीटस में क्या है? बेटी है। ठीक है, तो हम मार देते हैं फीटस ही को, वो कर दे फीटस, स्टॉप फीमेल फेटिसाइड्स और देन बेटी। ठीक है क्लास, स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग फीटस में पता लगा लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू की बेटी है, बेटी बेटा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत इलीगल काम है। कुछ ही डॉक्टर्स कुछ पैसों के लिए ऐसा कर लेते हैं। कितना बुरा है, गवर्नमेंट ने हमारी बहुत एक्शन लिया है कि फीमेल फीटिसाइड्स को रोक सके, किलिंग ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स को रोक सके। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड जो उनके पास पावर है उसको मिसयूज ना करे। ठीक है, स्टॉप फीमेल इन्फीटिसाइड्स एंड बेटी को पढ़ाओ। बेटी को पहले बचाओ, चाहे वो फीटस में बचाओ या बड़े होने के बाद बचाओ, और फिर उस बेटी को शिक्षित करो। शिक्षित करना, बेटी को पहले बचाओ फिर बेटी को शिक्षित बनाओ। इससे हमारी एक टर्म और निकल के आती है, आजकल हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, आजकल राहुल गांधी जी बहुत ज्यादा टर्म यूज कर रहे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। क्या? वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को सशक्त बनाओ, स्त्री को सशक्त बनाओ, सशक्त बनाओ। थोड़ी हिंदी गलत हो सकती है क्लास, एक बार थोड़ी स्पेलिंग में देख लेना। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट मतलब स्त्री को सशक्त बनाओ। ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? लॉन्च इन 2015 बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी। कब लॉन्च की थी क्लास? 2015 में। किसने लॉन्च की थी? श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये स्कीम सबसे पहले कहां लागू की थी? हरियाणा में। कहां की थी लागू? हरियाणा में। कहां लागू की थी? वहां पर। आपने बहुत सुना होगा
हरियाणा में बहुत डिस्टिंग्विश किया जाता है एक लड़के में और एक लड़की में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हरियाणा में ही सबसे पहले स्कीम चलाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी को पहले बचाओ हर मुश्किलों से और उसे मरने से बचाओ और फिर उसको शिक्षित बनाओ। शिक्षित बनने से वो क्या होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्त बन जाएंगी, उनके पास भी कुछ पावर होगी, कोई उनको हानि पहुंचाने से पहले डरेगा, उनको हार्म करने से पहले कोई डरेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जनरेट अवेयरनेस। क्या मतलब इसका क्लास, एम टू जनरेट अवेयरनेस, एम टू जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर गर्ल चाइल्ड। ठीक है क्लास, एम टू जनरेट अमंग पीपल फॉर गर्ल चाइल्ड, मतलब लोगों के बीच में जागरूकता लाना कि अवेयरनेस कि गर्ल चाइल्ड जो है, एक जो शिशु है और वो एक लड़की है, तो वो भी माँ बाप पे बोझ नहीं है। आजकल आप देख रहे हैं लड़के कितना ऊपर जा रही हैं, आज आप देख रहे हैं एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हो रही हैं, आर्मी में भी सिलेक्ट हो रही है, तो क्यों हम बेटी को क्यों मार रहे हैं। इसीलिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक क्लास, और मैंने ये बता दिया कि हाँ लॉन्च किसने की थी, श्री नरेंद्र मोदी ने, कब की थी, 2015। ठीक है क्लास, तो अब बताओ इस टॉपिक से जो हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम के बारे में या प्रोग्राम के बारे में पढ़ा, इससे क्वेश्चन क्या बनता है, कब लॉन्च हुई थी, लॉन्च्ड व्हेन, हु लॉन्च्ड इट, हु लॉन्च्ड इट और इन विच स्टेट। ठीक है क्लास, क्या क्वेश्चन बनता है, Who launched it? Launched when? कब वो लॉन्च हुई थी और क्या बनता है, इन विच स्टेट लॉन्च हुई थी। ठीक है, इस तीन से, और इसकी मेन एम क्या था, टू जनरेट अमंग पीपल अबाउट फॉर अ गर्ल चाइल्ड, की बेटी को बचाए लोग और बेटी को पढ़ाए लोग। ठीक है, इससे हमारी स्कीम खत्म हो जाती है। सेकेंड स्कीम पर आते हैं हम अपनी, जो की है अटल पेंशन योजना। क्लास बहुत सुना होगा आजकल बहुत न्यूज में बहुत ज्यादा, आपके लिए एक टिप है, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़िए जिससे आपकी जर्नल स्ट्रांग होगी, थोड़ी जीके स्ट्रांग होगी, मिसलेनियस के बारे में थोड़ी, चाहे पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़िए लेकिन थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद ही आदत पड़ जाएगी। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना बेसिकली किसके लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए, किसके लिए है, ओल्ड एज लोगों के लिए, ओल्ड एज लोग मतलब बुजुर्ग लोग जो है, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग लोग के लिए है बेसिकली। ठीक है, और कौन सी सेक्टर के लिए है, फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कौन सेक्टर के लिए क्लास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जैसे कि माली गार्डनर। ठीक है क्लास, ड्राइवर ऐसे, ठीक है, इन लोगों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, जैसे कि माली गार्डनर, ड्राइवर जो ड्राइव करता है मतलब गाड़ी चलाता है या बस चलाता है, ये सब लोगों के लिए। इस स्कीम में होगा क्या, पेंशन मिलेगी फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड पेंशन, फिक्स्ड, ठीक है, और पेंशन फिक्स कैसे, एक महीने के लिए, ठीक है, और वो 1000 से 5000 के बीच में होगी, फिक्स्ड अमाउंट फॉर पर्टिकुलर मंथ। एक हजार से 5000 के बीच में होगी। ठीक है क्लास,
और वो किस पे डिपेंड करता है, जितना इंसान अटल पेंशन योजना में सेव करेगा, बचत करेगा, ठीक है। किसके लिए? ओल्ड एज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि गार्डनर हो गया, माली हो गया, ड्राइवर हो गया। पेंशन फिक्स अमाउंट मिलेगी एक पर्टिकुलर मंथ के लिए, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। अब तो पेंशन मिलनी बंद हो गई, लेकिन मिलती तो है ही ना, बहुत पहले सब गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज है उनको तो मिलती ही है ना अभी, ठीक है। तो कितनी पेंशन मिलेगी? 1 से 5 हजार। ये डिपेंड करता है कि उस आदमी ने कितना सेव किया है, कितनी बचत की है अटल पेंशन योजना में। अच्छा, इसके मेंबर कौन कौन से बन सकते हैं? कौन मेंबर बन सकता है? एनीबॉडी। कौन बन सकता है? कोई भी। एनीबॉडी, एनीबॉडी बिटवीन एज ऑफ 18 to 40 years, ठीक है क्लास। कौन बन सकता है इसका मेंबर? कोई भी पर्सन, और वो बुजुर्ग होना चाहिए, ठीक है। और एनीबॉडी बिटवीन एज ऑफ 18 to 40 years, ठीक है। किसके लिए है? बुजुर्ग लोगों के लिए, ठीक है। कौन से सेक्टर के लिए? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जैसे कि हमारा माली या गार्डनर हो गया, ठीक है, और या ड्राइवर हो गया हमारा, ठीक है क्लास। और ठीक है क्लास, एनीबॉडी बिटवीन एज ऑफ 18 to 40 years कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अटल पेंशन योजना। किसके लिए है? ओल्ड एज लोगों के लिए। किस सेक्टर को टारगेट कर दिया? अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। क्या इसका बेनिफिट होगा? एक टाइम पीरियड के बाद जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, जब बूढ़ा हो जाता है, तो वो कमा नहीं पाता, तो अमाउंट 1 से 5 हजार का अमाउंट एज अ पेंशन मिलेगा। 1 से 5 हजार अमाउंट है, मतलब लिमिट है कि 1000 से 5000 के बीच में ही पेंशन अमाउंट मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है। और कौन इसका मेंबर बन सकता है? एनीबॉडी बिटवीन एज ऑफ 18 to 40 years, ठीक है क्लास। अब इसमें एसएससी जेईई के मेंबर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, ठीक है। बेनिफिट किसके लिए? बेनिफिट फॉर हूम, किसके लिए बेनिफिट? ओल्ड एज लोगों के लिए, ठीक है क्लास। अच्छा, इस कौन मेंबर? हु कैन बिकम मेंबर? Who can become member? ठीक है क्लास। और how much pension? How much pension will be given? ठीक है क्लास। तीन क्वेश्चन बन गए हमारे, बेनिफिट फॉर whom? Who can become member? How much pension will be given? ठीक है, will be given, ठीक है क्लास। चलो, हमारी अटल पेंशन योजना भी खत्म हो गई क्लास, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट योजना पे, अपनी मुद्रा योजना। क्या है क्लास? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा योजना। अच्छा, मुद्रा मतलब क्या होता है? सबको पता है, पैसे, मुद्रा पैसे, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या करेंगे प्रधानमंत्री? लोन प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइडेड अप टू 10 लाख, 10 लाख तक, 10 लाख रुपीज, ठीक क्लास। लोन प्रोवाइडेड अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है। और कौन लोन प्रोवाइड करेंगे? हु विल प्रोवाइड लोन, मतलब कौन लोन देंगे लोगों को, किस लिए होना है? मतलब लोन प्रोवाइडेड अप टू 10 लाख किस लिए? बिजनेस सेटअप करने के लिए, कोई व्यापार सेटअप करना है या कुछ भी करना है, आप लोगों को प्रोडक्टिव काम करना है जिससे आपको पैसे कमा, आप पैसे कमा सको। अच्छा, अब हमें लोन कौन देगा? कमर्शियल बैंक। कौन देगा क्लास? कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक, जिनका काम होता है लोन मुनाफे के लिए देना। स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब छोटे
छोटी चीज अगर आप कोई शुरू करो और आपको लोन की जरूरत है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, या RRB रीजनल रूरल बैंक. क्या है RRB की फुल फॉर्म? रीजनल रूरल बैंक. ठीक है क्लास, रीजनल रूरल बैंक. ठीक है, और जो ये काम की स्टेज है वो तीन में बटी हुई है, शिशु, किशोर और तरुण. ठीक है, आपके काम के ऊपर डिपेंड है. क्या है? शिशु. शिशु तो बच्चे को कहते हैं ना, शिशु, किशोर और किशोर और तरुण. ठीक है, शिशु मतलब जैसे कि आपका जो बिजनेस है वो बहुत छोटे लेवल पे, एक या दो साल पे. किशोर मतलब चार से पांच छह साल तक हो गए, और तरुण मतलब 9 से 10 साल, मतलब वो बड़ा हो गए. तरुण मतलब थोड़ा बच्चा बड़ा होना, किशोर मतलब 4-5 साल का, और शिशु मतलब बिल्कुल छोटा. आप देखेंगे आपका बिजनेस कहाँ पर लाइक करता है, शिशु है, किशोर है या तरुण है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस. तो उसके हिसाब से आपको RRB स्मॉल फाइनेंस बैंक या कमर्शियल बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. ठीक है क्लास, अब इससे हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं क्लास? इससे हमारे क्वेश्चन ये बनते हैं कि कितने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, वो है 10 लाख. ठीक है, और जो स्टेजेस हैं जिसके हिसाब से हमें लोन मिलेगा वो क्या है? शिशु, किशोर और तरुण. ठीक है, और क्लास बस ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है क्लास. ठीक है, अब इससे आते हैं हम अपनी नेक्स्ट योजना पर. उज्ज्वला योजना. क्या है क्लास? उज्ज्वला योजना. क्या है क्लास? उज्ज्वला योजना. इसका मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस, जिससे हम खाना बनाते हैं, कुकिंग गैस टू BPL हाउसहोल्ड्स. ठीक है, हाउसहोल्ड. हमने देखा है गांव में कितनी औरतें चूल्हे पे काम करती है, उससे पोल्यूशन भी होता है और उनसे उनको बीमारियां भी बढ़ जाती है. तो कुकिंग गैस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? LPG सिलेंडर. LPG सुना है आपने? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो आप लोगों के घरों में आता है सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस भरी हुई होती है? LPG गैस भरी हुई होती है. इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है क्लास. अच्छा, आप सोचोगे BPL क्या होता है? बिलो पावर्टी लाइन. बिलो पावर्टी लाइन वो एक रेखा होती है, मतलब उससे ऊपर वाले आदमी को कंसिडर किया जाता है कि वो APL फैमिलीज हैं. और BPL फैमिलीज क्या होती है? बिलो पावर्टी लाइन फैमिली, जो एक रेखा के नीचे रहती हैं, जो अपनी बेसिक जो जरूरतें हैं वो भी नहीं पूरा कर पाती. ठीक है, प्रोवाइडिंग कुकिंग गैस. कुकिंग गैस मतलब LPG सिलेंडर देंगे कि वो चूल्हे पर ना वर्क करे, और LPG सिलेंडर पे, जिससे पोल्यूशन भी कम हो और लोगों के लिए बीमारी भी कम हो. टू BPL हाउसहोल्ड सबसे मेन टारगेट है उज्ज्वला योजना का. और इस योजना के तहत कितने लोगों को कुकिंग गैस का कनेक्शन मिल गया है? टिल नाउ 5 करोड़ हाउसहोल्ड्स हैव रिसीव्ड LPG कनेक्शन टिल नाउ. ठीक है क्लास. अब इसमें से हमारे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इस योजना का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कुकिंग गैस प्रोवाइड करना. किसको प्रोवाइड करना? BPL फैमिलीज को. BPL का मतलब क्या होता है? बिलो पावर्टी लाइन, जो एक रेखा होती है उससे नीचे अगर कोई व्यक्ति और फैमिलीज जो रहती हैं, परिवार जो रहते हैं, उनको कुकिंग गैस प्रोवाइड करना कि वो चूल्हे पे खाना ना बनाए, जिससे हमारा पोल्यूशन भी कम हो और जिससे उन लोगों को बीमारियां भी कम हो. ठीक है, और आप भी. और LPG का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस, और आज तक कितने लोगों को इसके इस योजना के तहत कनेक्शन मिल गया है, 5 करोड़ यूज लोगों को, 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज को अभी तक कनेक्शन मिल गया है इसकी वजह से। कितनी इंपॉर्टेंट योजना है। क्लास ये हमारा इंट्रोडक्शन था कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स होते क्या और कौन सी 3 स्कीम्स आज मैंने कवर किए। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है क्लास। और जो भी है आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।